ओम शांति। आज 27 जून 2021 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी रिवाइज डेट है 26 जनवरी 1988। बाबा ने नंबर वन पूज्य बनने की विधि को स्पष्ट किया। संगम युग पर नंबर वन पूज्य बनने की अलौकिक विधि कौन सी है? अनादि बाप ने, आदि बाप ने सालिग्राम बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को देखा। बाबा सब की विशेषता देख रहे थे। हर ब्राह्मण आत्मा कितनी विशेष आत्मा है, हर एक के अंदर कोई ना कोई विशेषता है। कोई कोई तो बाबा की, ब्राह्मण परिवार की विशेषताएं देखकर खुश होते हैं और वैसा बनने का पुरुषार्थ करते हैं। अन्य ऐसे भी हैं जो देखकर खुश होते हैं लेकिन स्वयं वैसा बनने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो ब्राह्मण परिवार की विशेषता को देखते हुए भी समझ नहीं पाते कि ये गुण ग्राहक बुद्धि ना होने के कारण वो उन विशेषताओं को कैच नहीं कर पाते, उन्हें साधारण समझते हैं। जबकि बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा है, चाहे कोई माला का लास्ट मणका भी क्यों ना हो, हर ब्राह्मण आत्मा कोई ना कोई विशेषता के कारण विशेष आत्मा है। सबसे बड़ी विशेषता, बाबा को पहचान लिया। कोटों में कोई, कोई में भी कोई बन गए, ऊंचे से ऊंचे बाबा के बन गए। जिसे ऋषि मुनि भी नहीं पहचान सके, तो ये विशेषता हर ब्राह्मण में है। बाबा देख रहे थे, कोई कोई ब्राह्मण विशेषता को कार्य में लगाते हैं तो विशेषता बढ़ती जाती है। किसी किसी को कार्य में लगाना नहीं आता, धरनी में बीज डालना नहीं आता। कुछ ऐसे भी हैं जो धरनी में बीज डालते हैं, फलीभूत भी होते हैं, लेकिन मैंपन की चिड़िया खा जाती है। मैं विशेष हूँ, मेरी विशेषता है। एक है बाबा की विशेषता है, बाबा की देन है, ब्राह्मण परिवार की देन है। ये स्मृति रखना, इस स्मृति से तो विशेष आत्मा बन जाते हैं, लेकिन मैंपन वाला खंडित मूर्ति के समान है जिसकी पूजा नहीं होती है। संगम पर पूज्य बनना अर्थात दिल का रिगार्ड प्राप्त करना। किसी किसी को रिगार्ड देना पड़ता है और किसी किसी के लिए दिल से रिगार्ड निकलता है, दिल का स्नेह होता है। तो ऐसी आत्मा कभी भी पूजनीय नहीं बन सकती है, दिल का रिगार्ड प्राप्त नहीं कर सकती है। संगम का पूज्य बनना भक्ति मार्ग के पूज्य से अति श्रेष्ठ है, क्योंकि जो संगम का पूज्य है वो दिल की दुआएं, दिल के ब्लेसिंग्स प्राप्त करता है। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, भक्ति मार्ग में जब कोई पूजनीय के सामने जाते हैं तो क्या करते हैं, उसकी आरती उतारते हैं, धूप जलाते हैं, हार पहनाते हैं, कीर्तन गाते हैं। आरती, कीर्तन, हार, धूप जलाना, ये सब किया जाता है। लेकिन जो ब्राह्मण आत्माएं, दिल से जिनको रिगार्ड मिलता है, ये दिल का स्नेह आरती है, उनसे कोई ना कोई प्राप्ति का अनुभव करते हैं, वो उनका कीर्तन होता है। शुभ भावनाएं रखते हैं तो ये शुभ भावनाओं की धूप जलाना है। बलिहार जाने का हार पहनते हैं। ऐसी ब्राह्मण आत्माएं जो दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करती हैं, उनकी दो घड़ी की दृष्टि के भी सब प्यासे रहते हैं। संकल्प, बोल, कर्म से वो कमाल करने वाले होते हैं, धमाल करने वाले नहीं। तो विशेषता देखो, वर्णन करो और विशेषता का अनुभव कराओ। जब आप दूसरों को अनुभव कराते हैं तो ये स्वयं भी विशेष बनना है। साथ और हाथ की बहुत सुंदर स्मृति बाबा ने दिलाई। जब बाबा का साथ है, हाथ है, तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं। बड़ा और बढ़िया बाप आपको मिला है, इससे बढ़िया तो जीवन में कुछ हो नहीं सकता। जब साथ और हाथ है तो आप सदा मोजों में रहेंगे। कल्प कल्प की आप विजयी आत्मा हैं, इस अनुभव में रहें। आपको जो विजय प्राप्त है, ये कल्प कल्प प्राप्त होती है, इससे सदा सफलता मूर्त बन जाएंगे।
बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई, सब बंधनों से मुक्त होने के लिए साथी और साक्षीपन की स्मृति में रहो। यदि आप साथी और साक्षीपन की स्मृति में रहेंगे और निमित्त मात्र देह में आकर कार्य करेंगे तो सब बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। आज हम दृढ़ संकल्प करेंगे, हम विशेषताएं ही देखेंगे, विशेषताएं ही वर्णन करेंगे और मैंपन की चिड़िया से दूर रहेंगे। विशेषताएं परमात्म देन है, परमात्म प्रसाद है, प्रभु की विशेषता, प्रभु को अर्पणम। इस विधि से नंबर वन पूज्य बनेंगे जिनका सब दिल से रिगार्ड करेंगे। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। मुरली का सार है, संगम युग पर नंबर वन पूज्य बनने की अलौकिक विधि। संगम युग पर नंबर वन पूज्य बनने की अलौकिक विधि। आज अनादि बाप और आदि बाप, अनादि सालिग्राम बच्चों को और आदि ब्राह्मण बच्चों को डबल रूप में देख रहे हैं। अनादि बाप शिव बाबा, आदि बाप ब्रह्मा बाबा अनादि सालिग्राम बच्चों को और आदि ब्राह्मण बच्चों को डबल रूप में देख रहे हैं। सालिग्राम रूप में भी परम पूज्य हो और ब्राह्मण सो देवता स्वरूप भी गायन और पूजन योग्य हो। दोनों आदि और अनादि बाप दोनों ही रूप से पूज्य आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। आदि और अनादि बाप दोनों ही रूप से पूज्य आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। अनादि बाप ने आदि पिता सहित अर्थात ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चों को अपने से भी ज़्यादा डबल रूप में पूज्य बनाया है। अनादि बाप की पूजा सिर्फ एक निराकार रूप में होती है, लेकिन ब्रह्मा सहित ब्राह्मण बच्चों की पूजा निराकार साकार दोनों रूप से होती है। तो बाप बच्चों को अपने से भी ज़्यादा डबल रूप से महान मानते हैं। बाप बच्चों को अपने से भी ज़्यादा डबल रूप से महान मानते हैं। आप बाप दादा बच्चों की विशेषताओं को देख रहे हैं। हर एक बच्चे की विशेषता अपनी अपनी है। बाबा सब बच्चों की विशेषताओं को देख रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं सबकी विशेषताएं बाबा के सामने आ रही हैं। कोई बाप की और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषताओं को जान, स्वयं में सर्व विशेषताएं धारण कर अर्थात श्रेष्ठ विशेष आत्मा बन गए। कोई विशेषताओं को जान और देखकर खुश होते हैं, लेकिन अपने में सर्व विशेषताएं धारण करने की हिम्मत नहीं है। कोई कोई तो बाप दादा बड़ों की विशेषताओं को देखकर अपने में लाते हैं, कोई कोई सिर्फ देखकर खुश होते हैं लेकिन अपने में सर्व विशेषताएं धारण करने की हिम्मत नहीं है। और कोई हर आत्मा में या ब्राह्मण परिवार में विशेषता होते हुए भी विशेषता के महत्व से नहीं देखते हैं, एक दो को साधारण रूप से देखते हैं। विशेषता देखने व जानने का अभ्यास नहीं है व गुण ग्राहक बुद्धि, गुण ग्रहण करने की बुद्धि न होने के कारण विशेषता अर्थात गुण को जान नहीं सकते हैं। गुण ग्राहक बुद्धि नहीं है, विशेषता देखने वाला तीसरा नेत्र नहीं है, इस कारण वो गुण को जान नहीं सकते। हर एक ब्राह्मण आत्मा में कोई ना कोई विशेषता अवश्य भरी हुई है। जितना भी ब्राह्मण परिवार है हर एक के अंदर कोई ना कोई विशेषता भरी हुई है। चाहे 16,000 का लास्ट दाना भी हो उसमें भी कोई ना कोई विशेषता है। इसलिए है ही बाप की नज़र उस आत्मा के ऊपर, बाबा की नज़र स्वतः उस आत्मा के ऊपर पड़ती है उसकी विशेषता पर। इसलिए बाबा की नज़र उस आत्मा के ऊपर पड़ती है। भगवान की नज़र पड़ जाए या भगवान अपना बनावे, जरूर विशेषता समाई हुई है। भगवान की नज़र पड़ गई, भगवान ने अपना बना लिया, ज़रूर कोई विशेषता है। इसलिए वो आत्मा ब्राह्मणों के लिस्ट में आई है, लेकिन सदा हर एक की विशेषता को देखने और जानने में
नंबरवार बन जाते हैं। बाप दादा जानते हैं कैसे भी भले ज्ञान की धारणा व सेवा में याद में कमजोर हैं, लेकिन बाप को जानने, बाप का बनने की विशाल बुद्धि, बाबा को देखने की दिव्य नज़र, ये विशेषता तो है। कोई कोई बच्चा भले ही किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर है, ज्ञान की धारणा में, याद में, सेवा में, लेकिन बाबा को पहचानने की तीसरी नज़र, दिव्य नेत्र, वो तो है। तो आजकल के नामी ग्रामी विद्वान भी नहीं जान सकते, पहचान सकते, लेकिन उन आत्माओं ने जान लिया। कोटों में कोई, कोई में भी कोई इस लिस्ट में तो आ गए जिन्होंने बाबा को पहचाना, वो कोटों में कोई, कोई में भी कोई की लिस्ट में तो आ गए। विशेष क्यों बने? विशेष क्यों बने? क्योंकि ऊंचे से ऊंचे बाप के बन गए। सभी आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं विशेष हैं, सिर्फ कोई अपनी विशेषता को कार्य में लगाते हैं, इसलिए वो विशेषता वृद्धि को प्राप्त होती रहती है, और कोई दूसरों को भी वो दिखाई देती है। और कोई में विशेषता रूपी बीज तो है, लेकिन कार्य में लाना, ये है बीज को धरनी में डालना। जब तक बीज को धरनी में नहीं डालें तो वृक्ष नहीं पैदा होता है। जब तक बीज को धरनी में नहीं डाला तब तक वृक्ष पैदा नहीं होता, विस्तार को प्राप्त नहीं कर पाते। और कई बच्चे विशेषता के बीज को विस्तार में भी लाते, अर्थात वृक्ष के रूप में वृद्धि को भी प्राप्त करते, फल को भी प्राप्त करते, लेकिन जब फल आता है तो फल के पिछाड़ी चिड़ियाएं, पंछी आते हैं खाने के लिए। तो जब फल तक पहुंचते हैं तो इस रूप में माया आती है कि मैं विशेष हूँ, मेरी ये विशेषता है। ये नहीं समझते कि बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता है, विशेषता भरने वाला बाप है। जब ब्राह्मण बने तो विशेषता आई। कोई भी विशेषता कब आई? जब ब्राह्मण बने। ब्राह्मण जीवन की देन है, बाबा की देन है, इसलिए फल के बाद अर्थात सेवा में सफलता के बाद ये अटेंशन रखना भी जरूरी है, नहीं तो माया रूपी चिड़िया पंछी फल को झूठा कर देते हैं या नीचे गिरा देते हैं। जैसे खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है, माना जाता है कि ये मूर्ति है लेकिन पूजी नहीं जाती। जैसे जो खंडित मूर्ति होती है, माना तो जाता है मूर्ति है लेकिन खंडित है इसलिए पूजी नहीं जाती, ऐसे जो ब्राह्मण आत्माएं सेवा का फल अर्थात सेवा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मैपन की चिड़िया ने फल को खंडित कर दिया, इसलिए सिर्फ माना जाएगा सेवा बहुत अच्छी करते हैं, महारथी हैं, सर्विसेबल हैं, लेकिन संगम युग पर सर्व ब्राह्मण परिवार के दिल में स्नेह के पात्र व पूज्य नहीं बन सकते। सबके दिलों में स्नेह के पात्र व पूज्य नहीं बन सकते। संगम युग में दिल का स्नेह, दिल का रिगार्ड, यही पूज्य बनना है। अच्छे से अंडरलाइन कर लेंगे, संगम युग पर पूज्य बनना क्या है? संगम युग पर सबके दिल का स्नेह प्राप्त होना, दिल का रिगार्ड प्राप्त होना, यही पूज्य बनना है। फल को मैपन में लाने वाले ऐसा पूज्य नहीं बन सकते। जिन आत्माओं में मैपन आ जाता है वो ऐसा पूज्य नहीं बन सकते। एक है दिल से किसको ऊंचा मानना, तो ऊंचे को पूज्य कहा जाता है। इसे आजकल की दुनिया में भी बाप ऊंचा होने के कारण बच्चे पूज्य पिताजी कह के बुलाते हैं या लिखते हैं। ऐसे दिल से ऊंचा मानना अर्थात दिल से रिगार्ड देना, दिल से ऊंचा मानना अर्थात दिल से रिगार्ड देना। दूसरा होता बाहर की मर्यादा प्रमाण रिगार्ड देना पड़ता है, तो दिल से देना और देना ही पड़ता है, इसमें कितना अंतर है ध्यान से समझेंगे। एक है कि आपका दिल किसी को रिगार्ड देता है, स्वतः ही देता है, नमन हो जाता है, और एक है कि आपको रिगार्ड मर्यादा प्रमाण देना पड़ता है, दोनों में अंतर है। पूज्य बनना अर्थात दिल से सर्व माने, मेजॉरिटी होनी चाहिए। पहले भी सुनाया
5% तो रह ही जाता है, लेकिन मेजॉरिटी दिल से माने यह है संगम युग पर पूज्य बनना। पूज्य बनने का संस्कार भी अभी से ही भरना है, पूज्य बनने का संस्कार अभी से अपने में भरना है। लेकिन भक्ति मार्ग के पूज्य बनने में अब के पूज्य बनने में अंतर है। भक्ति मार्ग का पूज्य, संगम का पूज्य, दोनों में अंतर है। अभी आपके शरीरों की पूजा नहीं हो सकती क्योंकि अंतिम पुराना शरीर है, तमोगुणी तत्वों का बना हुआ शरीर है। अभी फूलों के हार नहीं पड़ेंगे। भक्ति मार्ग में तो देवताओं के ऊपर चढ़ाते हैं। पूज्य की निशानी है धूप जलाना, हार पहनाना, आरती करना, कीर्तन करना, तिलक लगाना। भक्ति में पूज्य की निशानी क्या होती है? उसके आगे धूप जलाई जाती है, हार पहनाए जाते हैं, आरती की जाती है, कीर्तन किया जाता है, तिलक लगाया जाता है। संगम युग पर यह स्थूल विधि नहीं है। संगम युग में सदा दिल से उन पूज्य आत्माओं के प्रति सच्चे स्नेह की आरती उतारते रहते हैं। आत्माओं द्वारा सदा कोई ना कोई प्राप्ति का कीर्तन करते रहते हैं। सदा उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना की धूप का दीपक जलाते रहते हैं। सदा ऐसी आत्माओं को देख स्वयं भी जैसे वो आत्माएं बाबा के ऊपर बलिहार गई, वैसे अन्य आत्माओं में भी बाबा के ऊपर बलिहार जाने का उमंग आता है। तो बाबा के ऊपर बलिहार जाने का हार सदा उन आत्माओं को स्वतः ही प्राप्त होता है। ऐसी आत्माएं सदा स्मृति स्वरूप के तिलकधारी होती हैं। ऐसी आत्माएं स्मृति स्वरूप की तिलकधारी होती हैं। इस अलौकिक विधि से इस समय के पूज्य आत्माएं बनती हैं। भक्ति मार्ग के पूज्य बनने से श्रेष्ठ पूजा अब की है। भक्ति मार्ग के पूज्य बनने से श्रेष्ठ पूजा अब की है। जैसे भक्ति मार्ग की पूज्य आत्माओं के दो घड़ी के संपर्क से, अर्थात सिर्फ मूर्ति के सामने जाने से दो घड़ी के लिए भी शांति, शक्ति, खुशी का अनुभव होता है, ऐसे संगम युगी पूज्य आत्माओं द्वारा अब भी दो घड़ी, एक घड़ी भी दृष्टि मिलने से खुशी, शांति, उमंग, उत्साह की शक्ति अनुभव होती है। दृष्टि मिलने से, एक घड़ी भी दृष्टि मिलने से खुशी, शांति, उमंग, उत्साह की शक्ति अनुभव होती है। ऐसी पूज्य आत्माएं नंबर वन विशेष आत्माएं हैं। सेकंड और थर्ड तो सुना दिया, उसका विस्तार क्या करेंगे। है तो सब विशेष आत्माओं की लिस्ट में, लेकिन 1, 2, 3 नंबर वार है। लक्ष्य सभी का नंबर वन का होता है। तो ऐसे पूज्य बनो जैसे ब्रह्मा बाप के गुणों के गीत गाते हो ना। ये सब विशेषताएं पूज्य बनने की व नंबर वन विशेष आत्मा बनने की बातें ब्रह्मा बाप में देखी और सुनी। तो जैसे ब्रह्मा साकार आत्मा नंबर वन संगम योगी पूज्य, सो भविष्य में नंबर वन पूज्य बनते। लक्ष्मी नारायण नंबर वन पूज्य है ना, ऐसे आप सब भी ऐसे बन सकते हो। जैसे बाप के साथ साथ ब्रह्मा बाप की कमाल गाते हैं, आप सब भी सदा ऐसे संकल्प बोल और कर्म करो जो सदा ही कमाल का हो। आप भी ऐसे संकल्प बोल व कर्म करो जो सदा ही कमाल का हो। जब कमाल होगी तो धमाल नहीं होगी, कमाल नहीं करते तो धमाल करते हो। चाहे संकल्पों की धमाल करो चाहे वाणी से करो, चाहे संकल्पों की धमाल करो चाहे वाणी से। संकल्पों में भी व्यर्थ तूफान चलता है, ये धमाल है ना। धमाल नहीं, कमाल करनी है, क्योंकि आदि पिता ब्रह्मा के बच्चे सदा ही पूज्य गाए जाते हैं। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण सदा ही पूज्य गाए जाते हैं। अभी लास्ट जन्म में भी देखो सबसे ऊंचा वर्ण कौन सा गाया जाता, ब्राह्मण वर्ण कहते हो। ऊंचा नाम ऊंचे श्रेष्ठ काम के लिए ब्राह्मण को ही बुलाते हैं, किसके कल्याण के लिए भी ब्राह्मणों को बुलाते हैं। तो लास्ट जन्म तक भी ब्राह्मण आत्माओं का ऊंचा नाम ऊंचा काम प्रसिद्ध है। लास्ट जन्म तक भी ब्राह्मण आत्माओं का ऊंचा नाम ऊंचा काम प्रसिद्ध है, परंपरा से चल रहा है।
सिर्फ नाम से भी काम चला रहे हैं। काम आपका है, नाम वालों का भी काम चल रहा है। इससे देखो सच्चे ब्राह्मण आत्माओं की कितनी महिमा है, कितने महान हैं। ब्राह्मण नाम भी अविनाशी हो गया, अविनाशी प्राप्ति वाली जीवन हो गई। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है मेहनत कम प्राप्ति ज़्यादा, क्योंकि मोहब्बत के आगे मेहनत नहीं। ब्राह्मण जीवन की विशेषता मेहनत कम प्राप्ति ज़्यादा, क्योंकि मोहब्बत के आगे मेहनत नहीं है। अब लास्ट जन्म में भी ब्राह्मण मेहनत नहीं करते, आराम से खाते रहते हैं। अगर नाम का भी काम करते हैं तो भूखे नहीं रह सकते, नाम का भी काम करते हैं तो भूखे नहीं रह सकते। तो इस समय ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं की अब तक निशानियां देख रहे हो। इतनी श्रेष्ठ आत्मा होना समझा, वर्तमान समय पूज्य तो भविष्य के भी पूज्य, इसको ही विशेष आत्माएं नंबर वन कहते हैं। तो चेक करो, ब्रह्मा बाप की कहानी सुना रहे हैं ना, अभी और भी रही हुई है। पहली मुरली में हमने सुनी समर्पणता की कहानी, बाबा का कैसे समर्पण रहा, तन से मन से धन से हर चीज़ में, संबंध संपर्क का भी समर्पण वो हम सब ने सुना। और भी कहानी बाकी है। ब्रह्मा बाप की विशेषता सदा सामने रखो, और किसी बातों में नहीं जाओ, लेकिन विशेषताओं को देखो और वर्णन करो। और कोई पुरुषार्थ नहीं होता, बाबा कहते कोई बात नहीं, विशेषताएं देखो और वर्णन करो, हर एक को विशेषता का महत्व सुनाकर विशेष बनाओ। दूसरे को बनाना अर्थात स्वयं विशेष बनना, समझा। किसी की भी विशेषता उन्हें बताकर उन्हें भी विशेषता का एहसास कराओ, ये भी विशेष बनना है, समझा। अच्छा, चारों ओर के सर्व नंबर वन विशेष आत्माओं को, सर्व ब्राह्मण जीवन वाले विशेष आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप को सामने रख, समान बनने वाले बच्चों को, अनादि बाप आदि बाप का दोनों रूप से सर्व सालिग्रामों साकारी ब्राह्मण आत्माओं को स्नेह भरी याद, नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। पार्टियों से मुलाकात है, सदा बाप का हाथ और साथ है, ऐसा भाग्यवान समझते हो। हाथ भी है और साथ भी है, ऐसा भाग्यवान समझते हो। जहाँ बाप का हाथ और साथ है वहाँ सदा ही मौजों की जीवन होती है। मुझने वाले नहीं होंगे, मौज में रहेंगे। कोई भी परिस्थिति अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी, सदा बाबा की तरफ आकर्षित होंगे। सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया बाप है, तो बाप के सिवाय और कोई चीज़ व व्यक्ति आकर्षित नहीं कर सकता। सबसे बड़ा और बढ़िया बाप है, तो बाबा के सिवाय और कोई चीज़ या व्यक्ति आकर्षित नहीं कर सकता। जो बाबा के हाथ और साथ में पलने वाले हैं उनका मन कहीं और जा नहीं सकता। जो बाबा के हाथ में हाथ दे के चलते हैं, साथ लेके चलते हैं, उनका मन कहीं और जा नहीं सकता। तो ऐसे सभी हो या माया की पालना में चले जाते हो, वह रास्ता बंद है ना, तो सदा बाप के साथ की मौज में रहो। बाबा मिला सब कुछ मिला, और कोई अप्राप्ति नहीं। कितना भी कोई हाथ साथ छुड़ाए, लेकिन छोड़ने वाले नहीं, और छोड़कर जाएंगे भी कहाँ। इससे बड़ा और कोई भाग्य हो नहीं सकता। कुमारियाँ तो हैं ही भाग्यवान, डबल भाग्य है। एक कुमारी जीवन का भाग्य, दूसरा बाबा का बनने का भाग्य। कुमारी जीवन है ही महान। कुमारी जीवन, एक तो कुमारी जीवन का भाग्य, दूसरा बाबा का बनने का भाग्य। कुमारी जीवन पूजी जाती है, जब कुमारी जीवन खत्म होती है तो सबके आगे झुकना पड़ता है। गृहस्थी जीवन है ही बकरी समान जीवन, कुमारी जीवन पूज्य जीवन। अगर कोई एक बार भी गिरा, गिरने से हड्डी टूट जाती है ना, फिर कितना भी प्लास्टर करो, ठीक करो, हड्डी कमज़ोर हो जाती है। तो समझदार बनो, टेस्ट करके फिर समझदार नहीं बनना। उस दुनिया का टेस्ट अपनी ओर ना खींचे। कईयों को लगता कि वो एक बार टेस्ट करके तो देख लें कैसा है, बाबा कहते ऐसा नहीं। सदा अपने को कल्प कल्प की विजयी आत्मा अनुभव करते हो,
हाथ और साथ की स्मृति के साथ दूसरी मुलाकात में बाबा बात कर रहे हैं, कल्प कल्प की हम विजयी आत्माएं अनुभव करते हो, अनेक बार विजयी बनने का पाठ बजाया, अब भी बजा रहे हैं। विजयी आत्माएं सदा औरों को भी विजयी बनाती हैं, जो अनेक बार किया जाता है वो सदा ही सहज होता है, मेहनत नहीं लगती। अनेक बार की विजयी आत्मा है, इस स्मृति से कोई भी परिस्थिति को पार करना खेल लगता है। हम अनेक बार की विजयी आत्मा है, इस स्मृति से कोई भी परिस्थिति को पार करना खेल लगता है, खुशी अनुभव होती है। विजयी आत्माओं को विजय अधिकार अनुभव होता है, विजयी आत्माओं को विजय अधिकार अनुभव होती है। अधिकार मेहनत से नहीं मिलता, स्वतः ही मिलता है। तो सदा विजय की खुशी से, अधिकार से आगे बढ़ते, औरों को भी आगे बढ़ाते चलो। विजय की खुशी से, अधिकार से आगे बढ़ते, औरों को भी आगे बढ़ाते चलो। लौकिक परिवार में रहते, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। लौकिक में रहते, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। अलौकिक संबंध सुख देने वाला है, लौकिक संबंध से अल्पकाल का सुख मिलता है, सदा का नहीं। तो सदा सुखी बन गए, दुखी की दुखों की दुनिया से अब आप सुख के संसार में आ गए, ऐसा अनुभव करते हो ना। पहले रावण के बच्चे थे तो दुखदायी थे, अब सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो गए। सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो गए। फर्स्ट नंबर ये अलौकिक ब्राह्मणों का परिवार है, देवताएं भी सेकंड नंबर हो गए। तो ये अलौकिक जीवन प्यारी लगती है ना। अपने को पद्मा पद्म भाग्यवान अनुभव करते हो, तीसरे ग्रुप से मुलाकात है। अपने को पद्मा पद्म भाग्यवान अनुभव करते हो। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हो नहीं सकता, क्योंकि भविष्य स्वर्ग में भी इस समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में राजभाग प्राप्त करते हो। भविष्य भी वर्तमान भाग्य के हिसाब से मिलता है, महत्व इस समय के भाग्य का है। बीज इस समय डालते हो, फल अनेक जन्म प्राप्त होता है, तो महत्व तो बीज का गिना जाता है ना। इस समय भाग्य बनाना या भाग्य प्राप्त होना, ये बीज बोना है। इस समय भाग्य बनाना या भाग्य प्राप्त होना, ये बीज बोना है। तो इस अटेंशन से सदा पुरुषार्थ में तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो। सदा इस समय के पद्मा पद्म भाग्य की स्मृति इमर्ज रूप में रहे, भाग्य की स्मृति इमर्ज रूप में रहे। कर्म करते हुए याद रहे, कर्म में अपना श्रेष्ठ भाग्य कभी भूले नहीं, स्मृति स्वरूप रहो, अटेंशन रहे। कर्म करते करते भाग्य की स्मृति रहे, कर्म करते भूल नहीं जाना, इसको कहते पद्मा पद्म भाग्यवान। इस स्मृति के वरदान को सदा साथ रखना, तो सहज ही आगे बढ़ते रहेंगे, मेहनत से छूट जाएंगे। क्वेश्चन है, लौकिक संबंध में बुद्धि यथार्थ फैसला देती रहे, उसकी विधि क्या है। लौकिक संबंध में भी बुद्धि यथार्थ फैसला दे, उसकी विधि क्या है। कभी भी लौकिक बातों को सोचकर फैसला नहीं करना, अलौकिक शक्तिशाली स्थिति में रह के फैसला करो। कोई भी पिछली बातें स्मृति में रखने से बुद्धि उस तरफ चली जाती है, फिर पिछले संस्कार प्रकट होते हैं, इसलिए मुश्किल होता। बिल्कुल ही लौकिक वृत्ति भूल, आत्मा समझ फिर फैसला करो, तो यथार्थ फैसला होगा। इसे कहते विकर्माजीत का तख्त। अलौकिक आत्मिक स्थिति ही विकर्माजीत स्थिति का तख्त है। इस तख्त पे बैठ के फैसला करो तो यथार्थ होगा। अलौकिक आत्मिक स्थिति ही विकर्माजीत स्थिति का तख्त है। इस तख्त पे बैठ के फैसला करो तो यथार्थ होगा। आज का वरदान, साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सब बंधनों से मुक्त होने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सर्व बंधनों को मुक्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। सर्वशक्तियों से संपन्न बन, अधीनता से परे होने के लिए दो शब्द याद रहें, एक साथी, दूसरा साक्षी। इससे बंधन मुक्त आत्मा
बंधन मुक्त अवस्था का अनुभव करेगी, सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो सर्वशक्तियाँ स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। बाबा का साथ है तो सर्वशक्तियाँ स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं। निमित्त मात्र शरीर में रह के कर्तव्य किया, साक्षी हो गए। निमित्त मात्र शरीर में रह के कार्य किया, फिर साक्षी हो गए। इसका विशेष अभ्यास बढ़ाओ। देह में आए, कर्म किया, डिटैच हो गए, इसका अभ्यास बढ़ाओ। स्लोगन है, अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है, तो ब्राह्मण की बजाय क्षत्रिय हो, ब्राह्मण की बजाय क्षत्रिय हो अगर युद्ध चलती रहती है तो। अभी ब्राह्मण अर्थात शुद्ध आत्मा, वो शुद्धता के संस्कार प्रकट होने चाहिए। आज हम इस ब्राह्मण जीवन के महत्व को अच्छे से रियलाइज करेंगे और पक्का करेंगे, हर ब्राह्मण आत्मा विशेष आत्मा है। विशेषता देखनी है, विशेषता वर्णन करनी है। डिटैच होकर अपनी विशेषता देखें। बहुत सुंदर विशेषता जो सब में है, विशेष ब्राह्मण परिवार में बाबा को पहचानने की विशेषता, सृष्टि पराई भगवान को पहचान लिया। मैं विशेष आत्मा हूं, मेरे संपर्क में आने वाली हर आत्मा में भी कोई ना कोई विशेषता है। फिर से विशेषताओं को स्मृति में रख, गुणवान बनना है, यही सहज पुरुषार्थ है। गुणों को ग्रहण करते गुणवान बन जाना। अब गुणों के सागर पर एकाग्र हो जाएं, महसूस करें गुणों के सागर बाबा की। सर्व शक्तियां मुझ में समा रही हैं, मैं आत्मा भी गुणवान बन रही हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, शांति। जगा लो विवेक सारे जग का करण दो।